इतिहास में गुणगान कभी भी कटे हुए सर से ज्यादा उसे काटने वाले का होता है और ऐसे हाथों से रचा हुआ इतिहासिक कब्जा कहलाता है। हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले साउथ की एक और गैंगस्टर या देश प्रेम पर बनी मूवी आ रही है। मूवी का नाम है कब्जा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक। तो ये कहानी सेटअप है 1945 की, जब हमारा भारत आजाद नहीं था और इसकी कमान थी अंग्रेजों के हाथों में। वहीं दूसरी तरफ कुछ नामी गिरामी भारतीय भी छोटे लोगों पर अपनी धौंस जमाते थे। मूवी में एक तरफ वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सैनिकों द्वारा लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तभी एक अंग्रेज कहता है कि एक भारतीय से दूसरे से भारतीय को मरवाना ही शासन है, वो तो आप सभी भी जानते हैं। फिर जैसे वीर सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, वैसे ही इसमें भी उपेंद्र वो शख्स बनेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे और साथ में उन भारतीयों के भी जो अंग्रेजों से मिले हुए हैं। तो विलन के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं किच्चा सुदीप। और भी बहुत सारे विलन ट्रेलर में दिखाए हैं, जैसे आपने केजीएम में देखे होंगे कि एक के बाद एक विलन को मारकर हमारे हीरो का सबसे ताकतवर है उसके पास जाना है। तो हो सकता है कि मूवी का सिक्वल भी मेकर्स ने सोच रखा हो और कहानी हमें अधूरी देखने को मिले। तो दूसरी तरफ एक माँ अपने दो बच्चों के साथ बैठी है, जहाँ RRR में एक तरफ राम तो दूसरी तरफ जूनियर NTR थे, वैसे ही इसमें भी एक माँ के साथ दो बच्चे अलग अलग साइड पर होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। मूवी में जो लास्ट में वो इमोशनल सीन्स और उसके ऊपर वो BGM मतलब शानदार और रवि वसरूड ने म्यूजिक दिया है, तो आप जानते ही होंगे कि BGM इतना धांसू होगा जो आपके जुबान पर चढ़ जाएगा। तो मूवी की टोन में वही हमें KGF माइंस वाली डार्क ग्रे टोन देखने को मिल रही है। तो बात करें ऑल ओवर व्यू की, तो मूवी हमें देश प्रेम से लेकर वो गैंगस्टर वाली झलक देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ हमारे हीरो लोगों के लिए साथ में देश के लिए खड़ा होगा तो दूसरी तरफ बहुत सारे विलन इसको हराने में लगे रहेंगे। तो KGF में जहाँ दुनिया जीतने की बात है, तो यहाँ इस कब्जे से हमारे देश को बचाने की। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें MKTV।